हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो यार गाइज, हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर हमारी सिटी के अंदर आ चुका है न्यू मेगा रैम चैलेंज। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही, जस्ट सामने ही स्पॉन हुआ है न्यू मेगा रैम चैलेंज। तो हम आज इस मेगा रैम चैलेंज को कंप्लीट करके आप लोगों के सामने दिखाने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो खटाखट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यार देख सकते हैं गाइज, कितना ही पतला रास्ता, ऊपर से रोटेटिंग व्हील्स। तो यार ये बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो मैं भाई साहब बहुत ही आराम से इजिली निकल गया हूँ। यार यहाँ पर ये मूविंग कंटेनर, थोड़ा सा मेरे को इससे वेट करना पड़ेगा, जब तक ये आता है तब तक मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ, क्योंकि देर से दुर्घटना से देर ही भली, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। और कोई बात नहीं, यहाँ पर एक और मूविंग कंटेनर शायद लग रहा मेरे को, इधर ही जाना होगा तो थोड़ा सा इसका भी वेट करते हैं। और इस साइड से, हाँ उस तरफ दिख रहा रास्ता, तो उसी साइड जाना होगा। चलो यार गाइज अब चलते हैं। भाई भाई भाई, बस बस बस, क्योंकि मेरी बाइक की जो स्पीड थी थोड़ा तेज़ हो गई थी, इसीलिए मेरे को कंट्रोल करना पड़ा। थोड़ा कंट्रोल करने में समय लगा, कोई बात नहीं, फाइनली मैंने इस बाइक को भी कंट्रोल कर लिया और उस रेस को भी कंप्लीट कर लिया। तो यार गाइस देख सकते हैं, यार यहाँ पर ये इतना डिफिकल्ट रास्ता बनाया गया है जो चलना बहुत ही कठिन हो रहा है, टफ हो रहा। सामने तो मेरे को रैंप दिखाई दे रहा है। यार यहाँ पर ये रैंप लगा करके क्या साबित करना चाहिए? यार हाँ, यहाँ पर तो रोटेटिंग फैंस लगाए हुए हैं और इसी ये पतला रास्ता यहाँ से निकलना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, फाइनली वो भी मैंने स्टेप कंप्लीट कर दिया। आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होने वाला है। शायद लग रहा है मेरे को बहुत सारे, नहीं यहाँ पर नहीं, शायद आगे होंगे। चलो यार गाइज, यहाँ पर हाँ ये लाइटें लगी हुई, फ्लड लाइटें। चलो यहाँ पर चेक पॉइंट मैंने ले लिया है और आगे तरफ चलते हैं। यस यार भाई गाइज, इतने पतले रास्ते और उस पर भी बाइक चलाना, यार कोई बात नहीं, मैंने तो इस वाले भी स्टेप को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर ब्रेकर लगाए गए हैं ताकि कोई भी बाइक स्पीड में ना जा सके, क्योंकि सामने जो खतरा है रोटेटिंग फैंस का, इसलिए शायद मेरे को लग रहा है ऐसा किया गया है। तो यार गाइज, मेरे को इन फैंस के पास पास पीछे पीछे ही जाना होगा। हाँ बस ये साइड सही है, क्योंकि मैं दूसरी साइड से जाता तो शायद ना निकल पाता, क्योंकि मेरे को इस साइड से ही निकलना ज़्यादा ही अच्छा लगा और मैं फाइनली उस वाले स्टेप को ही इजीली कंप्लीट कर लिया हूँ। तो ये वाला भी गाइस, बस बस बच जा भाई साहब, नहीं तो यार अभी मेरी बाइक नीचे ही जाने वाली थी। तो कोई बात नहीं, फाइनली गाइस मैंने इस वाले भी स्टेप को कंप्लीट कर दिया हूँ। तो यार गाइस, यहाँ पर ये वाला एक और यार पतला रास्ता, यहाँ पर ये थोड़ा बाइक मुड़ाने की भी जगह कम है। यार कोई बात नहीं, यहाँ पर बाइक मुड़ाने की भी जगह कम है, इसलिए मेरे को अपनी बाइक को थोड़ा सा आगे पीछे करके इस रास्ते को थोड़ा सा संभल कर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर मैं ज़रा भी तेज़ी किया अपनी बाइक को तो मेरी बाइक नीचे जा सकती है और मेरा फ्रैंकलिन फिर से, यार मेरे को फिर से पूरा काम करना पड़ेगा, मेरे को फिर से पूरा का पूरा स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को ये वाला भाई भाई बच जा। हाँ ठीक है गाइज, मैंने फाइनली अपनी बाइक को इस वाले भी रूट पर कर लिया हूँ, अब जा कर के मेरा सही रास्ता आ चुका है। तो गाइज यहाँ पर भी रैंप लगाए गए हैं। तो यार सामने, बस 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 बच जा भाई, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से तो यार मेरी बाइक नीचे ही जाने वाली थी, तो मैंने फाइनली रोक लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। चलो कोई बात नहीं, इतने सारे रैंप लगाए गए हैं, उस पर से मेरे को जाना है, कैसा रास्ता होने वाला कुछ भी जानकारी नहीं। गाइज अगर आप लोगों को ये रैंप चैलेंज अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और गाइज अगर आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर किसी भी चीट कोड को पता है तो फटाफट से चीट कोड को कमेंट कर दीजिए। और गाइज अगर आप लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम खेलते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके भर भर के कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं भी मेरे को भी पता लग सके कि आप लोग भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के बहुत बड़े फैंस हो। तो यार गाइज यहाँ पर मेरी बाइक पहुँच चुकी है एक और रैंप के ऊपर। यार भाई आगे सामने क्या होने वाला है? लग रहा है मेरे को रास्ता इंड तो नहीं हो रहा है, लग रहा है यार। हाँ भाई साहब इंड नहीं हो रहा, क्योंकि इस साइड में ये थोड़ा दूसरे टाइप का रास्ता बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर डांसिंग गर्ल जो आती हैं इसी के स्टेज के ऊपर डांस करती हैं, तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बनाया गया। अब गाइज मेरे को किधर जाना होगा? अब हाँ इस रैंप के ऊपर जाना होगा, क्योंकि मेरे को अब फिनिश लाइन दिखाई देने लगी। यार गाइज मेरी
इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की इस वाले रैंप चैलेंज की फिनिश लाइन दिखाई देने लगी। फाइनली गाइज मेरे को यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लगा।